बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है केसेस ऑफ मीम के हवाले से। अच्छा देखें, जब हम केस की बात करते हैं कि मीन जो है या मीडियन है या मॉड है, उसका कौन सा केस है, तो उससे मुराद सिर्फ हमारी ये मुराद होता है कि ये डेटा ग्रुप है, ग्रुप केस है या अनग्रुप केस है, केस कौन सा है। तो अब यहाँ पे वैसे आपको ग्रुप अनग्रुप डेटा के ऊपर डिटेल में वीडियो जो मिलेगी वो आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगी, जिसके अंदर हमने इसकी प्लेलिस्ट में बताया हुआ है वहाँ पर। लेकिन यहाँ मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूँ कि ग्रुप डेटा हम उसको कहते हैं जिसके साथ फ्रीक्वेंसी सेपरेटली लिखी होती है और क्लासेस के ग्रुप्स बने होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक मल्टी वैल्यू क्लास होती है, जैसे 10 से 20, 20 से 30 और आगे फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकली लिखी होती है उसकी, इसकी पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ये, दूसरे की ये, तीसरे की ये, चौथे की ये, पांचवें की ये, इस तरह करके फ्रीक्वेंसी लिखी हो तो वो ग्रुप डेटा कहलाता है। अनग्रुप वो होता है जिसके साथ जस्ट वैल्यूज़ दी होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती। उसमें अगर कोई वैल्यू मतलब 2 बार या 3 बार आ रही है तो उस वैल्यू को 2 बार 3 बार लिखा होता है, उसका ये नहीं बना होता कि सपोज कर लें कि जैसे 2 है वो 5 बार आया है, तो उसके 2 के आगे 5 नहीं लिखा था, 2 को 5 बार लिखा होता है। तो अगर इस तरह भी डेटा है तो वो भी अनग्रुप ही कहलाता है। तो इस तरह का जो डेटा होता है जो खाली वैल्यूज दी हुई है, तो इसको हम अनग्रुप कंसिडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती होती। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये अरेंज्ड फॉर्म में हो, ये अनअरेंज्ड फॉर्म में भी हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन या मीन कैलकुलेट करने के लिए डेटा की अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं है, जबकि मीडियन के अंदर अरेंजमेंट ज़रूरी होती है। ये भी एक एडवांटेज है मीन का कि हमें इसके अंदर जो है उसकी अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बगैर अरेंज डेटा हो तब भी उसका मीन सही निकलता है, अरेंज करके मीन निकाल लें तब भी उसका मीन वही निकलेगा, मीन पर फर्क नहीं पड़ता अरेंज डेटा हो या अनअरेंज्ड डेटा हो। तो अब इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली अनग्रुप डेटा के बारे में आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा लेक्चर 4, उसके अंदर हम आपको इंशाल्लाह ग्रुप डेटा के बारे में एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि मीन ऑफ अनग्रुप डेटा जो है वो क्या है। तो ये सिंबल होती है जी एक्स, हम आमतौर पर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। वैल्यूज़ को हम वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जो वैल्यूज़ हैं जो वेरी कर रही हैं, असल में ये उसका वेरिएबल है। और उस वेरिएबल के ऊपर एक ऐसा कि एक बार सा ऊपर लगा दिया जाता है, तो जब इस एक्स को हम पढ़ते हैं मीन ऑफ एक्स, ये मीन ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, जो कि हमने पिछले लेक्चर डेफिनेशन में भी बताया था कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो असल में मीन होगा। ये जो रेशियो है ये वाली, ये असल में मीन ही है। अब ये जो सिंबल है, समेशन की सिंबल होती है, और उसके बाद जो है वो समेशन एक्स मीन्स के सारी वैल्यूज़ का सम कर लें, उसकी तादाद पे उसको आप डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि इसी को एक्सप्लेन किया गया, यही एक बेसिक फार्मूला है, और इसी तरह ही मीन कैलकुलेटर, ये दी गई जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो एक्स होंगी, उन सारी वैल्यूज़ का आप सम कर लें और उसको तादाद पर डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, वेयर एक्स का जो मीन है इज़ द AM, अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा, यानी जो दिया गया डेटा है ये उसका AM है, अरिथमेटिक मीन है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज मीन ऑफ एक्स, इसको मीन ऑफ एक्स बोला जाता है। सम ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द गिवन वैल्यूज, यानी दी गई जो वैल्यूज़ होंगी उसको वो ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी वैल्यूज जो दी गई हैं वो तादाद में कितनी है, उनकी काउंटिंग कितनी है, तो उनकी जो काउंटिंग है वो एन है। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे आपके पास x दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वो कोई सी वैल्यू दे देता है, जैसे ये दिया हुआ है 12, 14, 19, 20, 7, 31, 25, 13, 26। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज का सम कर लेना। अगर हम इन सारी वैल्यूज का सम करें तो वो सम बनता है 167, और इसकी तादाद अगर हम काउंट करें तो वो 8 बनती है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो 20.875 इसका जो है वो मीन आता है। तो ये बात आपको समझ लगी होगी यहाँ पे कि इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, मतलब सारी वैल्यूज़ का सम कर लें वो आ जाएंगी 167 आपके पास यहाँ पे आ गई, उसकी तादाद को 8 पर डिवाइड करें तो 20.875, दैट्स अ आंसर, दैट्स अ मीन। और इसकी देखें अब एक नीचे शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है कि अगर अब ये शॉर्ट ट्रिक देखें, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है ना, खासतौर पर आपको पता ही है यूट्यूब वगैरह पर लोग शेयर करते रहते हैं, मकसद शॉर्ट ट्रिक का ये होता है कि जहाँ MCQs के लिए आए ना, तो ये वहाँ शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं। हाँ, अब जॉब के लिए आई हैं तो वहाँ ये ट्रिक्स वगैरह यूज़ करनी होती हैं, वरना क्वेश्चन अगर आपको आया तो वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना, आपको उसको प्रॉपर जो उसका तरीका है उसके मुताबिक ही उसको करना होता है। अब ये देखिए कि इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है। वो कहते हैं इफ़ वैल्यूज़ आर गिवन इन सम ऑर्डर, अगर वो वैल्यूज़ किसी ऑर्डर में दी गई हैं, हालांकि ऑर्डर मीन में ज़रूरी नहीं होता, और वो ऑर्डर कंजेक्टिव नंबर दिए हुए हैं या कंजेक्टिव ऑड नंबर दिए हुए हैं या कंजेक्टिव इवन भी दिए हुए हैं, यानी चाहे वो नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो इवन, कंजेक्टिव नंबर हो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कंजेक्टिव ऑड हो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, और कंजेक्टिव इवन हो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, जॉन से भी हो, लेकिन वो ऑर्डर में लिखे गए हों, देन यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द
एम सिंपल मिडल वैल्यू वुड बी द मीन, उसकी जो मिडल वैल्यू आएगी यानी उन वैल्यूज के बिल्कुल जो सेंटर पे आ रही है वो ही उसका मीन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा मीडियन वैल्यू को वैसे मीडियन भी कहते हैं, जो क्योंकि सेंट्रल एग्जैक्ट सेंट्रल जो वैल्यू होती है अरे डेटा की उसी को मीडियन भी कहते हैं, तो वो मीडियन भी खैर उसका वही होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि फाइंड मीन ऑफ, जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये एमसीक्यूज में पूछे ऐसे जाते हैं, तो अगर एमसीक्यूज में है तो फिर तो आपको यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, फिर आप उसको ट्रिक को यूज करें, मतलब ये लिखा हुआ है कि जी मीन ऑफ 1 2 3 4 5, क्या मीन है 3 है, दैट्स इट। अब ना कैलकुलेट करने की जरूरत है ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, सबसे पहले देख लें एमसीक्यूज में पूछा हुआ है, तो आप देखें कि वैल्यूज अरेंज फॉर्म में लिखी हुई है और एक सीक्वेंस वाइज है, तो फिर आप ठीक है जैसे 1 2 3 4 5 इसका मीन क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। अब आप इसको कैलकुलेट भी करके देख लें तो 3 निकलेगा, कैलकुलेट कर लें जरा, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 15 को आप कितनी वैल्यूज हैं 5, तो 5 पर आप डिवाइड करें, तो 15 को 5 पर डिवाइड करें, 5 3 15, तो 3 आंसर आता है, दैट्स 3। तो वो यहाँ से हमें पता चल गया, तो ये बात आपको ये देख लेनी। ये तो थी आपके पास कंजेक्टिव नंबर्स यानी 1 2 3 4 5, और कोई से भी हो सकते हैं जो उनसे मर्जी हो जाए। और दूसरी बात है कि फाइंड द मीन ऑफ, अब इस तरह ये ऑड सीरीज आ गई है 1 3 5 7 9, तो क्या इसका भी निकल सकता है, जी बिल्कुल इसका भी नहीं, इसका क्या निकलेगा, इसका आप देखें दो इधर से जोड़ दें दो इधर छोड़ दें, सेंटर पे कौन आ रहा है 5, तो इसका 5 होगा। अब इसको भी आप कंप्यूट कर लें तब भी 5 निकलेगा, लेकिन हमें कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक सीरीज दी हुई है ऑड के अंदर, तो सेंट्रल वैल्यू दैट इज। उसके बाद आपके पास आता है कि ये जैसे लिखा हुआ है कि अब ये इवन नंबर है 24 26 28 30 32 34, इसमें भी आप देखें आपके पास यहाँ पे वैल्यूज कितनी आई, ये 2 हैं 4 हैं 6, अच्छा अब ये 6 आ गए। अब आप क्या करें, अब हम सेंटर में देखते हैं कि 3 इधर से छोड़ दी 3 इधर से छोड़ दी, दरम्यान में तो फिर कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब इसका मीन नहीं है, नहीं मीन ऐसे थोड़ी हो जाता है, वैल्यूज दी हूँ तो उसका मीन ऑब्वियसली है, तो फिर इसका मीन अब कैसे निकलेगा। अब इसका मीन वैसे तो तरीकाकार तो ये है कि हम सारों को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे 6 पे यानी डिवाइड करते तो आंसर आएगा, लेकिन हमें ट्रिक अब कैसे करनी है, ऑड में तो आसानी थी, इवन में अब क्या करें। अब इवन नंबर में अगर आपके पास ये दिए हुए हैं और इवन सीरीज भी इवन आ गई यानी तादाद भी इवन आ गई है, तो अब हम क्या करें, अगर ये यहाँ पे कोई मतलब एक वैल्यू ये ना होती तो फिर इसका मीन निकलना था 28, दो इधर से जोड़ते 28, लेकिन अब ये आ गई 34, इसमें भी इसी तरह आ सकता है, या 10 लिखते या तो फिर क्या करते, या इसमें भी एक और वैल्यू ऐड हो तब क्या करते। तो तरीकाकार क्या है कि अब आपने क्या करना है, दो इधर से वैल्यू छोड़ी, दो इधर से मतलब अगर आप सपोज कर लो कि 6 हैं तो दरम्यान में 2 बचनी चाहिए, अगर सपोज कर लें कि 10 वैल्यूज हैं तो 4 एक तरफ से छोड़ी 4 एक तरफ से छोड़ी, दरम्यान में 2 बच गई, अगर 12 होती तो फिर आप टोटल 6 6 तो छोड़ नहीं सकते, फिर 5 एक तरफ से छोड़ी और 5 एक तरफ से छोड़ी और दरम्यान में 2 बच गई, उन 2 का अब करना क्या है, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, उन दोनों को ऐड करके और 2 पे डिवाइड कर देना, जैसा कि 2 इधर से छोड़ दी 2 इधर छोड़ी, दरम्यान में 2 बच गई, अब 30 और 28 को ऐड किया तो बन गया 58, 58 को आप 2 पे डिवाइड करें 29, तो जरा यानी कंपेरेटिवली जल्दी सॉल्व हो जाएगा, दैट्स इट। ले जी ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक, और नीचे एक नोट है मुख्तसर सा, इसको भी थोड़ा सा देख ले, वैसे मैंने आपको बता दिया, मीन एंड द मीडियन फॉर द कंजेक्टिव सीरीज इज सेम, जो कंजेक्टिव सीरीज होती है उसका मीन और मीडियन सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि कंजेक्टिव अगर सीरीज आ जाती है और यानी उसमें सीक्वेंस में है, सीरीज है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाती है और फिर वो सीक्वेंस में भी लिखी हुई है, तो उसके अंदर जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो मीडियन भी वही होता है और उसका मेन भी वही होता है। ठीक है, लेकिन एक है वो सीरीज में होनी चाहिए, दूसरा वो अरे फॉर्म में होनी चाहिए, तो तब हम उसको इंस्पेक्शन के जरिए से ही बगैर कैलकुलेशन के हम उसको निकाल सकते हैं। एंड देर इज नो मॉड फॉर द कंजेक्टिव सीरीज, कंजेक्टिव सीरीज का मॉड नहीं होता क्योंकि उसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती है, तो जब कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही होगी तो मॉड निकलेगा नहीं क्योंकि सारी वैल्यूज इक्वल हैं और वैल्यू सारी इक्वल हो तो कोई मॉड नहीं होता। लेकिन ये थी आज की वीडियो, और मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक करें, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।